नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ मैं ऋतु तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। रूस यूक्रेन युद्ध का 66 दिन हो चुके हैं और दोनों देश झुकने को तैयार नहीं है। हम आपको युद्ध की 10 बड़ी खबरें दिखाते हैं। यूक्रेन में डोनेत्स्क के अवदीवका क्षेत्र में रूसी सेना ने जमकर गोलीबारी की। इस हमले में रूस ने 30 से अधिक गोले छोड़े जिससे पूरा इलाका दहल उठा। रूस के तोमारिस्की जिले के इलिंस्कोई गांव के पास सखालिन के GRES-2 पावर स्टेशन में भीषण आग लग गई। आग लगने की वजह के बारे में अभी पता नहीं चल पाया है। यूक्रेन के लुहांस्क से यूक्रेन की 30वीं मैकेनाइज्ड ब्रिगेड का एक खास वीडियो सामने आया है। लुहांस्क के इनमिनो में रूसी सेना ने जोरदार हमला किया। इस हमले में लॉन्चर, ट्रांसलूडर और रॉकेट से भरे कई ट्रक लगभग पूरी तरह से तबाह हो गए। इससे रूस की सेना को भारी नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन की सेना ने ड्रोन की मदद से रूसी सेना पर हमला किया। इस हमले में रूस की 2 BMP-3 पैदल सेना से लड़ने वाले वाहनों को तबाह कर दिया गया। यूक्रेन की सेना लगातार रूस की सेना पर पलटवार कर रही और उसे भी नुकसान पहुंचा रही है। यूक्रेन के जापोरिजिया इलाके में जहां रूस का कब्जा है, तो वहां यूक्रेन की सेना ने जमकर गोलीबारी की। यूक्रेन की 110वीं क्षेत्रीय रक्षा ब्रिगेड की तोप यूनिट ने यह हमले किए। इस हमले में रूस को कितना नुकसान पहुंचा, इसकी ठीक ठीक जानकारी नहीं मिल पाई है। यूक्रेन की सेना रूस की सेना पर लगातार हमले बोल रही है। इस हमले के लिए ड्रोन का सहारा लिया जा रहा है। एक वीडियो सामने आया है जिसमें साफ दिख रहा है कि रूसी सैनिकों की दल पर ड्रोन से बम बरसाए गए। इस हमले में रूसी सेना को काफी नुकसान पहुंचा। रूसी सेना ने यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर कैलिबर क्रूज मिसाइलों से हमला किया। रूस ने हमले के लिए काला सागर से पहली बार डीजल पनडुब्बी का इस्तेमाल किया। इस हमले का वीडियो रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया है। यूक्रेन के डोनस में लिबन से स्लाव्यांस्क जाने वाले एक पुल को उड़ा दिया गया। यह आरोप यूक्रेन ने रूस पर लगाया है। इससे जुड़ा एक वीडियो भी यूक्रेन ने जारी किया है। यूक्रेनी थल सेना की 92वें मैकेनाइज्ड ब्रिगेड ने रूस के खिलाफ हमले का एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में दिखाया गया है कि किस तरह से यूक्रेनी सेना ने रूस पर हमले किए और किस तरह से रूसी सैनिक जान बचाकर भाग रहे हैं। यूक्रेन के खार्किव में अपने कब्जे वाले इलाके में रूसी सेना ने एक रिहायशी इमारत को तबाह कर दिया। हमले की वजह से पूरी इमारत खंडहर में तब्दील हो चुकी है।